तो डे वन में मैं आसमान से गिरा और इस आइलैंड पे अटका, और इस आइलैंड पे अटकने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे चारों तरफ मछलियों की पवाई हो जाए, क्योंकि इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी 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 पानी। बट मेरे ऊपर लग चुका था डेविल फ्रूट का कर्ज, आई मीन टू से अभिशाप, और इसका मतलब मैं अंडर वाटर जाके मछली नहीं पकड़ सकता हूँ और ना ही अंडर वाटर तैर सकता हूँ। और ऊपर से मेरे असिस्टेंट डॉक्टर गुगली ने मुझे दे रखा है 3 गोल। पहला, 25 डेज के अंदर मुझे एक ब्यूटीफुल वुडन हाउस बनाना है। दूसरा, एक फुल डायमंड आर्मर बनाना है। और तीसरा, मुझे पताल लोक जाना है, आई मीन टू से मुझे नेदर पोर्टल बनाकर नेदर एक्सप्लोर करना है। तो डे वन में मेरे पास था 2 पेड़, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे दोनों पेड़ों की गंदी तरीके से कर दी कुटाई, और उसके बाद मैंने बना लिया कुछ सड़े हुए टूल्स जिनको कहा जाता है वुडन टूल्स। और उसके बाद मैंने खेती करने के लिए बीज ढूंढने लगा, लेकिन 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 जैसा मुझे लग रहा था यहाँ पर एक भी बीज मुझे नहीं मिला, और अब लिटरली मेरा फटने लग गया था। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, मेरे ऊपर डेविल फ्रूट का असर हो रहा है, आई मीन मैं मछलियों को नहीं पकड़ सकता अंडर वाटर जाके, और अगर मैं खेती नहीं करूँगा तो भाई मैं खाऊँगा क्या? ओह माय डॉग। ऊपर से मेरा लक इतना अच्छा था कि मैंने 2 अलग अलग प्रजाति के पैरों की कुटाई की, लेकिन मुझे सैपलिन मिला 2, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 प्रजाति की, मतलब दूसरी प्रजाति की पैर में हो क्या गया था भाई, 1 सैपलिन तो दे जा कम से कम। तो अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं माइन करूँ, बिकॉज माइनिंग के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता तो मुझे देख नहीं रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग कर दिया माइन करने की, और मेरा लक इतना अच्छा था कि आयरन तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक कोल टोक नहीं मिला। और जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि मेरा एक पैर अब बड़ा हो चुका है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर से इसकी कुटाई करूँ। तो मैंने अपनी पैर की कुटाई शुरू कर दी, और मैंने फिर देखा कि इस बहुत सारे मछलियाँ मेरे आसपास आके पवाई कर रहे हैं, तो मैंने उनको कुटने के लिए पानी में जंप कर दी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला था, मेरे ऊपर लग चुका है डेविल फ्रूट का कर्ज, तो मुझे वापस आना ही पड़ा पानी से। और अब रात भी होने वाला था, डे वन ख़त्म भी होने वाला था, और ना ही मेरे पास खाना था और ना ही मेरे पास कॉल था, मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं था। तो अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि फिर से मैं डायमंड तो दूर की बात भाई, कॉल की माइनिंग करूँ। पहल तो कॉल ढूंढने के लिए मैंने फिर से माइनिंग स्टार्ट किया, लेकिन फिर से मेरा लक इतना अच्छा साबित हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने फिर अपने 200 वाला IQ का इस्तेमाल किया, और लॉक्स को एज ए सर्कल मैंने बनाने की कोशिश की प्लैंक्स से लॉक्स को जलाकर। तो अब मेरे पास टॉर्चेस आ चुका था, तो मैं फिर से शुरू कर दिया माइनिंग, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था भी नहीं। तो फिर से मुझे करना पड़ा माइनिंग। अब डे वन ख़त्म लगभग हो चुका था, रात हो चुका था, और ऊपर से मेरे पास सोने के लिए बेड भी नहीं था, तो इसलिए मैं माइन पे चला गया और मैंने माइनिंग करना स्टार्ट। लेकिन मेरा टॉर्चेस लगभग ख़त्म होने वाला था, तो मैंने फिर से टॉर्चेस बनाने के लिए ऊपर आया, तो मुझे कुछ अलग ही देखा, मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर देखा, एंड मैं बहुत खुश हो गया था। तो मैंने बहुत कोशिश की ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ने की, बट ये ज़ॉम्बी विलेजर लगभग मुझे ख़त्म करने वाला था भाई। मैंने लगभग इसको पकड़ लिया था, ठीक है, मैंने मतलब पकड़ लिया था लगभग, मुझे लग गया था कि हाँ ये तो मतलब बंद हो चुका है अभी, मैंने लगभग पकड़ लिया था, लेकिन मेरा लक इतना भी सही नहीं था। मैंने सोचा कि मैंने इसको पकड़ लिया है, लेकिन 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 देखना अभी आप लोग क्या हो गया है, क्या होता है आप लोग देखना बस। मैं जैसे ही नीचे आता हूँ विलेजर वापस आ जाता है ऊपर, तो मुझे ना चाहते हुए भी बिचारे ज़ॉम्बी विलेजर को मारना पड़ा। एंड मैं लिटरली बहुत, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज यार यहाँ पर विलेजर्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है ही, यहाँ पर विलेजर नहीं मिलने वाला मुझे, और ऊपर से मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया। और फिर पूरा रात माइन करने के बाद मुझे 16 कॉल्स मिला, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी वक्त मुझे एक स्पाइडर भी देखा, और ऊपर से मेरा एक पैर जादू से ग्रो हो गया मेरे सामने, वाह। और मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि इस स्पाइडर ने मुझे एक स्ट्रिंग तक नहीं दिया भाई, मतलब एक स्ट्रिंग दे देते तो मतलब मैं मछली पकड़ने के लिए वो बना लेता ना। और फिर मुझे एक चिकन देखा, तो मैंने इसको भी कैच कर ली, और मैंने फिर एक बार मछलियों को पकड़ने की नाकाम कोशिश किया, लेकिन फिर से मैं फेल हो गया, और मुझे वापस अपना आइलैंड पे आना पड़ा। और मुझे ना चाहते हुए भी अपनी पहली चिकन को मार के उसको पकाना पड़ा, बिकॉज मेरा हंगर बार लगभग जा चुका था, अब मैं मरने वाला था, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, एंड मैं बहुत सेट था उस टाइम लिटरली। फिर मैंने फिर से माइनिंग किया, और इस बार मुझे बहुत सारा कॉल मिला, एंड ये मेरे लिए सही था, बिकॉज मैं आज बहुत ज़्यादा सैड भी था, क्योंकि मैंने अपने पहले चिकन को मार दिया यार, वो भी खाने के लिए,
इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था माइनक्राफ्ट में लिटरली। एंड बहुत ज़्यादा माइनिंग के बाद आखिरकार मुझे आयरन मिलना शुरू हुआ और अब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश था। और अब डे टू भी ख़त्म हो चुका था और मैं जैसे ऊपर आया रात को तो मुझे एक क्रीपर देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको नीचे ले जाके माइन पे फोड़ दिया जाए ताकि मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। आई नो ये बहुत ही बेवकूफ़ वाला आइडिया था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा ही किया, उसको माइन के नीचे ला के उसको फोड़ दिया, जिससे मेरा आइलैंड भी बच गया और थोड़ा सा माइन भी बड़ा हो गया, है ना। और अब खाना नहीं मिलने की वजह से मैं मरने के हालत में आ गया था। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब मेरे 200 IQ वाले दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक कंपोस्टर बनाया जाए और उसके बाद एक बेसिक सा बोन मिल फार्म बनाया जाए। और फिर मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक बेसिक सा बोन मिल फार्म बनाया और फिर मेरे पैर के जो पट्टे थे उन पट्टों को मैंने यहाँ पर एज ए बोन मिल बनाना स्टार्ट किया। और फिर मैंने बोन मिल की मदद से इस आइलैंड पर जंगल उगाई और उन जंगलों की मैंने कुटाई की। उसके बाद मुझे कुछ बीज देखने को मिला। तो अब टाइम आ चुका था कि मैं खेती बाड़ी शुरू कर दूं, तो मुझे बस 2 ही बीज मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खेती शुरू कर दिया। और इधर मैं मरने के हालत में जा रहा था और फिर मैंने गलती से बोन फायर पे पैर रख दिया और अब मैं बस हाफ हार्ट पे जिंदा था, लिटरली हाफ हार्ट पे। और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने बहुत सारे बोन मिल बनाने के लिए कोशिश किया, बट इतना आसान नहीं है यार, है ना, बोन मिल बनाना। भाई पूरे के पूरे एक स्टेक पैरों के पट्टे लगता है सिर्फ एक बोन मिल बनाने के लिए। भाई मतलब देख ही सकते हो आप लोग, मैं आधा हट पे था, लिटरली आधा हट पे। और फिर मैंने ये बार बार किया, लाइक बोन मिल बनाना बार बार, और फिर मेरे जान पे जान आया। मैंने अपने इस आइलैंड पे पहला ब्रेड खाया। और जब बहुत टाइम तक माइनिंग करने के बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो मैं अपनी बोट लेके निकल गया एक्सप्लोरेशन के लिए। और तभी मुझे मिला अपने आइलैंड के बहुत ही पास एक बहुत बड़ा सा आइलैंड, और यह देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। और फिर मैंने देखा कि उसके साथ ही एक ऐसा आइलैंड है जिसपे पैरों की पूरा बारिश हो रखी है, मतलब भाई वहाँ पर इतने सारे पैर है। और तभी मुझे यहाँ पर बहुत सारे कछुए भी देखा और मैं इस आइलैंड पे आके बहुत खुश था। फिर मैंने उस आइलैंड से कुछ बीज इकट्ठा की ताकि मैं अपने खेत को बड़ा कर सकूं। फिर मैंने वहाँ पर एक कछुए को कैद भी किया, बिकॉज मुझे पता था कि कछुए मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अब मैंने इस आइलैंड के पैरों की कुटाई भी करना शुरू किया। और अब मुझे जब भी लकड़ी की ज़रूरत होगा मैं ज़रूर से ज़रूर इसी आइलैंड को आ जाऊँगा। तो वहाँ से वापस आके मैंने अपने लिए एक पूरा का पूरा आयरन आर्मर बना लिया, तो अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसके साथ ही मैंने देखा कि यहाँ पर एक सीपी पैदा हो चुका है, इसका मतलब मैं बेड बना सकता हूँ, आई मीन टू से बिस्तर बना सकता हूँ। फिर मैंने अपने सीपी को नंगा करके उससे उल ले लिया और लकीली सीपी ने प्यार से मुझे 3 उल दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मेरा बिस्तर अब बन सकता है। और पहली बार एक प्यारी सी नींद लेके मैं सुबह जल्दी उठ गया और उसके बाद मैंने अपने खेत को थोड़ा सा बड़ा करने के बारे में सोचा और फिर मैंने एक मॉब फार्म बनाना स्टार्ट किया। 5 दिन के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार मेरे पास एक वॉकिंग मॉब फार्म था जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और डे 16 में मैं सुबह जल्दी उठ के अपने फार्म में जो मॉब इकट्ठा हो चुका था उनके थोड़ी सी कुटाई की। तो अब मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा घर बनाना था, तो इसलिए मैं उस आइलैंड पे वापस गया लकड़ी लेने के लिए। और लकड़ी लेके मैं वापस आ ही रहा था कि मुझे अपने घर के बहुत ही करीब एक ओशियन मोनूमेंट देखा, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा सकता था बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। फिर मैंने अपने घर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। और लगभग 6 दिनों के मेहनत के बाद मेरे पास था ये। डॉक्टर गुगली ने मुझे जो चैलेंज दिया था उस चैलेंज का एक चैलेंज अब पूरा हो चुका था, आई मीन टू से मेरा फर्स्ट गोल जो कि एक ब्यूटीफुल सा घर बनाना था वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अभी मुझे अपनी दूसरा चैलेंज और तीसरा चैलेंज भी पूरा करना था। दूसरा चैलेंज था एक डायमंड आर्मर बनाना, और अब टाइम आ चुका था कि मैं डायमंड आर्मर बनाने के लिए डायमंड की माइनिंग करूँ, तो इसलिए मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी डे 22 में। मेरा माइन ऑलरेडी वाई लेवल 11 पे था, इसका मतलब मैं अभी डायमंड आराम से ढूंढ सकता था। और मुझे एक रेड स्टोन मिला और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बिकॉज अभी तक मुझे रेड स्टोन नहीं मिला था और ये काला काला पत्थर भी नहीं मिला था। और रेड स्टोन मिलने का मतलब होता है कि आपके आसपास डायमंड्स है। और लकीली सिर्फ एक दिन के माइनिंग से ही मुझे डायमंड्स मिल गया और मुझे टोटल 6 डायमंड्स मिला,
डे 23 में, आई मीन अब मेरे पास सिर्फ दो दिन ही बाकी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। और मेरे इस आइलैंड की इस सफर में डे 24 मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी साबित हुआ, बिकॉज मुझे दो बार डायमंड मिला एक ही दिन में, और उसके साथ साथ मुझे ऑब्सिडियन भी मिला, यानी मैं अपनी सारे गोल अब पूरा कर सकता था। और फाइनली मेरा डायमंड का फुल आर्मर भी तैयार था, आप मुझे बस पता लग जाना था। तो या बहुत अच्छा लग रहा था यार, पहली बार ज़िंदगी में मतलब डायमंड कैसे आर्मर पहन के, वो भी खुद की मेहनत की। लेकिन पता लग जाने से पहले इस आर्मर को रिस्पेक्ट देना बनता है, बिकॉज इस आर्मर ने पूरे जर्नी में हमारा बहुत ज़्यादा साथ निभाया। तो ये है हमारा प्यारा सा पहला मेरा यहाँ का आर्मर, आयरन आर्मर। तो इसी के साथ डे 25 ख़त्म होता है, लेकिन ये जर्नी अभी बाकी है। आप लोग देख ही सकते हो मेरे पीसी की तरफ, मैंने बहुत कुछ बना रखा है, अभी हमें 100 डेज यहाँ पर सर्वाइव करना है। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, चाहे सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉमेंट ज़रूर ज़रूर करना, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, पूरा एक हफ्ता गया इस वीडियो को बनाने में।